किया जय तुमने? क्यों किया ऐसा? जायदाद के लिए तुम इतने हैवान हो गए कि अपने और परायों की समझ ही नहीं रही तुम्हें? अपने? कौन से अपने? हाँ, अपनों के भरोसे ही तो शहर छोड़कर गांव आया था मैं। लाखों के कर्जे में डूब चुका था मैं, लाखों के। सोचा था कि ये गांव की धन संपत्ति सब अपनी ही तो है, इस मुश्किल घड़ी में मेरे हिस्से का कुछ तो मुझे मिल जाएगा और सारा कर्जा चुका दूंगा। लेकिन नहीं, बुआ जी ने तो तुम दोनों के नाम पर अपनी सारी जायदाद कर दी थी। उन्होंने तो कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। उनके लिए तो बस तुम और तेज भैया ही अपने थे। बताओ, क्या ये होते हैं अपने? जवाब दो हमें। और तब से मैंने सोच लिया, ये जो अपने मुझे निकम्मा समझ रहे हैं ना, इन्हें मैं दिखा दूंगा या आखिर मैं हूं क्या। और तब से मैं मौके की तलाश में। और जल्द ही मुझे यह एहसास हो गया कि रुद्र भैया और सुगंधा भाभी भी मौके की तलाश में। और उस दिन जब रुद्र भैया तुमसे इन कागजात पर अंगूठा लगवाना चाहते थे, तभी मैंने भी सोचा कि अब मुझे कोई बड़ा खेल खेलना होगा। मैंने विक्रम का सहारा लिया। विक्रम तेज बनकर घर पे आया और उसने ऐसी ऐसी बातें बताई कि धीरे धीरे सबको भरोसा हो गया उस पर। अब तुम ये सोच रही होगी कि तुमसे और तेज भैया से जुड़ी हुई सारी बातें इसे कैसे बता, है ना? ये क्या लिख रहे हैं आप? कुछ नहीं, एक कहानी लिख रहा हूं। तुम्हारे जैसा नीच और गिरा हुआ आदमी हमने कभी नहीं देखा है, तो हमें लागत है कि जायदाद के लालच में तुम ही ने इन्हें मरवाया होगा। नहीं दोस्त, वो महान काम हमने नहीं किया, वो महान काम हमारे बड़े भाई साहब रुद्र प्रताप सिंह ने किया था। लेकिन फायदा हमारा करवा गए। लेकिन अब सोच रहा हूं कि एक खून तो करना ही पड़ेगा मुझे, तुम्हारा, तुम्हारा। करवा चौथ के दिन तेज भैया को एक हसीन तोहफा। विक्रम, पकड़ो उसे।
हटो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? एक तो इस तरह बीच रोड पर अंधों की तरह चलकर आ रही हो और मुझे से कह रही हो कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। देखिए आप प्लीज चुप हो जाइए। I'm sorry। इतने में तो आप किसी अच्छे घर की नजर आती, लेकिन इस तरह इस सुनसान जंगल में कहाँ जा रही थी? हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए, आप चाहिए यार। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम है इस लड़की के साथ, पर अगर इस तरह अकेले इस घने जंगल में रही तो ये बचेगी नहीं। नहीं, मैं इसे अकेले ऐसे नहीं छोड़ सकता। सुनिए, देखिए, मैं जानता हूं कि इस तरह एक अजनबी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर कह रहा हूं, आप चलिए मेरे साथ। आपको जहां भी जाना होगा मैं आपको छोड़ दूंगा। देखिए, मैं आपकी कोई बात नहीं सुन रहा हूं, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। अभी एक गाड़ी में बैठकर गई है, ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो। वैसे मेरा नाम रोहन है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा दिल्ली में कपड़ों का कारोबार है। तो मेरा क्या, मेरे पापा का। वैसे आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप अपनी शादी से भाग रहे हैं, और मैं भी अपनी शादी की झूठी खबर सुनाकर अपने घर वापस जा रहा हूँ।
तो सीधी सी बात है कि हम दोनों अपनी शादी से भाग रहे हैं, राइट? ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं बोलना है तो मत बोलिए, लेकिन मेहरबानी करके मुझे इतना तो बता दीजिए कि आखिर आपको जाना कहाँ। देखिए, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं और मुझे नहीं पता कि मैं आपको कहाँ जाकर छोड़ूं। आप कुछ बोली तो सही। सुनिए, आपको जरा नीचे उतरना पड़ेगा, गाड़ी का पिछला टायर पंक्चर है, मैं अभी बदल देता हूं। अरे सुनिए, कहाँ जा रही हैं आप? देखिए, बस थोड़ी सी देर की बात है, मैं टायर बदल रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा जहाँ आपको जाना होगा। ये पास में ही जाना है, हम चले जाएंगे, हमें तकलीफ ना ले। अरे मगर मेरी तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए बहुत खतरनाक। अरे मैडम, ऐसी दुल्हन बनी हुई कहाँ घूम रही हो? कौन है आप लोग? आप हमें जाने दीजिए, आप लोग गलत कर रहे हैं। अरे धत तेरे, तो हमने कब कहा कि हम सही कर रहे हैं? अब जल्दी से ये जेवर निकाल दो, नहीं तो जान निकाल लेंगे और उसके बाद जेवर भी। Not again. मुझे तो लगता है आप अपने घर जाना ही नहीं चाहती हैं। आप तो मरने की फिराक में हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी गाड़ी से। आखिर आपका प्रॉब्लम क्या है? अभी तो प्रॉब्लम तू है। ओ, तो ये है आपका प्रॉब्लम। हीरो, चुपचाप कार में बैठ और निकल जाए यहाँ से। हमारे यहाँ पे कहावत है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, और तुम तो सिर्फ 4 हो। ये साला मरना चाहता है।
ज्यादा अब आंगन तो इस दुनिया में और कोई नहीं होगी। आप हमें बचाना चाहते थे और ये लोगों ने अबे देख क्या रहे हो बे, जल्दी जाके पकड़ो सौरभ को और सारे जेवर और गहने लेके जल्दी भागो यहाँ से, लगता है ये तो मर गया। चल चल, हमारे पास मत आना, देखो हमारे पास मत आना, देखिए ऐसा मत करिए। जी जी, कम से कम 1,000-1,500 लोग होंगे। भाई मौका भी खास है, इंतजाम भी खास होना चाहिए, आप देखिएगा किसी भी चीज की कमी ना रह जाए। हाँ बिल्कुल। अरे तुम अभी तक यही हो, कितनी देर हो गई, जाओ जाके लगाओ जल्दी से। हाँ जी ठीक है भाई साहब। एकी है क्या है? ओफो, तो मैंने भी पता है, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने पी क्यों नहीं अभी तक? पता है सवेरे से ए तीसरी बार बना चुकी हूँ मैं। अरे तुम देख रही है ना, इतने दिनों बाद रोहन घर आ रहा है और यहाँ पे कोई तैयारी नहीं। इतने दिनों बाद ये खुशी का मौका आया है, कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जा और सुरेंद्र को भी उठा दे। अच्छा क्या सोचते कि तुम भी जल्दी तैयार होगी? तैयार तो होना ही था, आज इतना इम्पोर्टेंट ओकेजन जो है। सुन के बड़ा अच्छा लगा, तुम्हारे लिए भी ये बहुत खास है। खास तो होगा ही, इतनी मेहनत जो की है मैंने, पूरा 1 महीना लगा है तैयारी करने में। 1 महीना लगा तैयारी में? हाँ। ओह गॉड, आपने फिर से उलझा दिया मुझे अपनी इस आर्गुमेंट में। ऑलरेडी मैं क्लब के लिए लेट हो चुकी हूँ। तुम क्लब के लिए तैयार हो? तो और क्या, आज मदर्स डे है तो हम कुछ गरीब बच्चों के साथ में क्लब में सेलिब्रेट करने वाले हैं। सब कुछ इतना ग्रैंड है कि कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होंगी। आज हमारा बेटा रोहन घर लौट रहा है। एक बज गया क्या? नहीं जी, अभी तो सिर्फ 10 ही बजे हैं जी। तो क्यों उड़ा रही है मुझे? वो क्या है ना, आज रोहन पुत्र घर आने वाले हैं ना, ए वास्ते। बोल तो ऐसे रहे जैसे प्रधानमंत्री घर आ रहा है। रोहन आ रहा है तो भाई साहब को बता जिनका पुत्र है। तो दे मुझे। ठीक है जी। इतने सालों बाद हमारा बेटा घर आ रहा है और तुम मदर्स डे मनाने घर से बाहर जा रही। वाह अच्छा, शायद मुझसे ही रिश्ते समझने और उनसे उम्मीद रखने में कोई गलती होगी। अब ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, शाम को मिल लूंगी ना। हेलो
क्या हुआ? मिस्टर रोहन कपूर यहाँ पे एडमिट? एक मिनट जी, उन्हें तो ओटी में ले गए और उनके साथ एक और भी पेशेंट है, वो रूम नंबर 103 में है। चलो चलो। बहू, किरदार वही, पात्र नया। बिट्टो का किरदार अब से निभाएगी ऋतु दुधानी। आप आराम से बेटा, तुम ठीक तो हो ना बहू? समझ रहे बेटा, तुम और रोहन? हाँ, हम और रोहन जी साथ में ही थे कि डॉक्टर साहब, रोहन जी ठीक तो है ना? उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? क्या हम उनसे मिल सकते हैं अभी? बिल्कुल मिल सकते हैं। आपका लाख लाख शुक्र, तुम बिल्कुल ठीक हो बहू। हमें अपनी फिक्र नहीं है, हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि रोहन जी ठीक है। बाकी जो आप लोग हमें अपनी बहू मान रहे हैं वो। ओए पुत्र, तो इतना क्यों सोच रही है? तो क्या हो गया, रोहन ने तुम्हें हम सबसे पहले नहीं मिलवाया है? और इस बात को लेकर हमारे किसी के दिल में कोई बैर नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। पुत्र जी, हम सब तो पहले भी बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, और अब जब तुम आ गई हो तो हम अब भी तुम्हें बाहें फैलाकर अपना बना रहे हैं। और एक बात, तू रोहन की चिंता मत कर, हमारा पुत्र बहुत स्ट्रांग है। उसका तो पता नहीं, लेकिन मैं 2 मिनट से ज्यादा यहाँ और रही तो मैं जरूर आईसीयू में पहुंच जाऊंगी। और बेटा, रोहन का ऑपरेशन चल रहा है, तू बिल्कुल फिक्र मत करो, ये शहर का बेस्ट हॉस्पिटल है। डॉक्टर सब अपनी कोशिश कर रहे हैं, और दिखता पुत्र, अगर रब ने चाह रहा तो रोहन बिल्कुल तुम्हारी तरह एकदम भला चंगा हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, रोहन जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर कुछ होना होता तो हमें होना चाहिए था, ये सब हमारी वजह से हुआ है, सब हमारी वजह से। ना पुत्र ना, सब जो कुछ करता है ना और सोच समझ के करता है, और ऐसा दोबारा कभी मत सोचना कि जो कुछ करा उसकी जिम्मेदार तुम। बस ये समझना, इस पे भी रब की कोई कोशिश है सबको खुश देखने की। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम आपसे क्या कहें। आप लोग हमें बहू कह रहे हैं और हम तो आपको जानते भी नहीं है। सानू भी कितने पता था तेरे बारे में? पुत्र जी, हम सब पहली बार मिल रहे हैं तो जानने पहचानने में थोड़ी तो परेशानी होगी ना। अब अगर तुम अपने घर का फोन नंबर दो तो हम तुम्हारे घर वालों को भी खबर कर दें। हमारा परिवार तो हमसे पता नहीं कहाँ खो गया। You mean
नो फैमिली, अनाथ हो क्या? नहीं नहीं, वो गांव में। गांव? तुम गांव में रहती हो? बहू से ये सब बातें करना इस वक्त जरूरी है क्या? आपने शायद सुना नहीं, एक तो गवार, ऊपर से अनाथ। आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। देखिए, आप लोग हमारी वजह से झगड़ा मत कीजिए। बस एक बार हम रोहन जी से मिल लेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है बहू तुम्हें। अगर ये खुद जाना चाहती है तो हम कैसे रोक सकते हैं इसे? मिस्टर रोहन को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। न घर का पता, न खानदान का, और न ही स्टेटस का। वैसे भी एक गांव वाली का स्टेटस हो ही क्या सकता है? ओ गॉड, अब एक गवार के साथ रहना पड़ेगा हमें। डॉक्टर साहब, रोहन जी ठीक तो है ना? वैसी रिपोर्ट तो ठीक है, लेकिन जब तक होश नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कह सकते। और इन्हें होश कब तक आएगा? माफ कर दीजिएगा, मैं कुछ ज्यादा ही। घबराने की कोई बात नहीं, जल्दी ही इन्हें होश आ जाएगा, तब तक आप में से कोई एक यहाँ पर रुक सकता है। बहू, तुम यही रुको रोहन के पास, उसे अच्छा लगेगा। जी, जी, मैं। हाँ बेटा, तुम रोहन जब होश में आएगा और तुम्हें बिल्कुल ठीक देखेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। पर पुत्र जी, तेनू बिंदु कितनी फिक्र है रोहन दी, है ना? मगर बड़ी चौधरायन बन रही थी, क्या जरूरत थी बीच में पढ़ने की? कितनी बार कहा है इनके मामलों से दूर रहा कर? कैसी गल कर रहे हो जी, ये परिवार भी तो अपना ही है ना, और रोहन वो भी तो अपना ही पुत्र है ना जी। ये बात भाई साहब पहले समझ ले तो अच्छा है। एक परिवार में होना और एक परिवार का माना जाना दोनों अलग बातें हैं। दोबारा समझाने की जरूरत मत पड़ेगा जी। समझी ना? हमें माफ कर दीजिए रोहन जी, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। ये सब हमारी वजह से हुआ है। ना हम आपसे मिलते और ना ही आज आपकी ये हालत होती। हमारी किस्मत ही ऐसी है, ना हम खुद खुश रह पाते हैं और ना ही किसी को खुशी दे पाते हैं। और आज हमारी वजह से इस परिवार को इतना बड़ा दुख सहना पड़ रहा है, सिर्फ हमारी वजह से। हमें माफ कर दीजिए रोहन जी, माफ कर दीजिए हमें। एक बार भी रोहन ने हमारे बारे में नहीं सोचा कि सोसाइटी में हमारी पोजीशन का क्या होगा। अरे उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, लोग हंसेंगे हम पर। अमरी, तुम बात को खाम खा के अंदर बढ़ा रही हो। बहू रोहन की पसंद है और वो चाहे जैसी भी हो,
हमें पसंद होनी चाहिए। भाई साहब आप तो बाहर आते जाते नहीं है, इसलिए आपके लिए कहना आसान है, फेस तो हमें करना पड़ता है। आप अगर तुम किन लोगों के बीच में उठते बैठते हो ये भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो फिर ठीक है, आप मानिए उससे अपनी बहू, लेकिन ये उम्मीद मत कीजिए कि हम भी उसे अपनी बहू माने। परजाई जी मुझे तो लगता है हमारा कहना बेकार है, इन्होंने हमारी बात माननी तो है नहीं, अपनी मनमानी करनी है। मैं तो सिर्फ अपने बेटे रोहन के लिए थोड़ी सी खुशियां चाहता हूँ, और एक बाप होने के नाते ये हक है मेरा। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप लोगों से, प्लीज मेरी बहू को इस परिवार में आने दीजिए। रोहन जी, हम आपके परिवार का हिस्सा नहीं बन सकते, नहीं बन सकते हम। हमें तो ये भी नहीं पता कि आपके परिवार वाले हमें इस घर की बहू क्यों मान रहे हैं, क्यों, और हमारा भरोसा कीजिए, हमने बहुत बार बताने की भी कोशिश की, लेकिन लेकिन हम कह नहीं पाए, नहीं कह पाए। हम तो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि आप ठीक हो, और बस एक बार आपसे माफी मांग लेते, हमको तसल्ली मिल जाती। हमें तो लगता है कि हमारी वजह से उनकी तकलीफ और बढ़ रही है। इसलिए हम अभी उन्हें सच बता देंगे कि हम उनकी बहू नहीं हैं। वो हमारी बहू है और वो ही रहेगी। तुम लोगों ने देखा नहीं कैसे चिंता कर रही थी वो रोहन की? जिसको ड्रामा करना हो तो वो तो ऐसे ही दिखाएगा ना, और आपने भी ना कोई सवाल किया ना देखा, बस सीधे बहू बहू की रट लगानी शुरू कर दी। मैंने वही किया और कहा जो मेरे दिल ने कहा, पर ऐसे मौकों पर दिल की नहीं दिमाग की सुननी चाहिए। और मेरा दिमाग ये कहता है कि वो हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। लेकिन ये सही कह रही है, ना हम आपके घर की बहू है और ना हम बन सकते हैं। नहीं बहू तुम ऐसा मत करो, ये तो ऐसे ही कहती है, रोहन को लेके परेशान है ना बेटा। हमें किसी की बात का बुरा नहीं लगा, हम तो बस आप सबसे माफी मांगना चाहते। नहीं पुत्र नहीं, माफी तो हमें मांगनी चाहिए तुझसे। हम अपने बच्चे को विश्वास ही नहीं देना पाए कि उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है, इसलिए उसने हमें बिना बताए शादी करी। अगर हम तुझसे पहले मिले होते तो आज, और फिर सोच पुत्र, जब रोहन को होश आएगा और वो तेरे बारे में पूछेगा तो हम क्या कहेंगे उसको? ये तो हद है, जब वो कह रही है कि वो रोहन की बीवी नहीं है और यहाँ से जाना चाहती है तो व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आप क्यों नहीं उसकी बात मान लेते? तुम क्यों नहीं मान लेते कि ये हमारी बहू है? रोहन ने फोन करके नहीं कहा था कि वो आज अपनी पत्नी को लेकर घर आ रहा है? हम लोग इंतजार नहीं कर रहे थे इन दोनों का? इसके सुहाग का जोड़ा और सिंदूर देखकर भी तुम क्यों नहीं मानना चाहती कि ये हमारी बहू है? देखो बहू, तुम सिर्फ हमारी बात मानो और अपने दिल से ख्याल निकाल दो कि हम तुमसे नाराज हैं। वो तो हम बार बार रोहन को शादी के लिए कहते और वो मना कर देता। एक दिन उसने हमारे बहुत जोर देने पे कहा कि उसने शादी कर ली, तो बस हमने भी गुस्से में कहा कि जाओ अपनी पत्नी के साथ ही अब इस घर में आ, और उसके बाद वो घर छोड़ के चला गया। और कल रात को उसको फोन आया कि वो घर लौट रहा है, लेकिन लेकिन रास्ते में, और जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो हमें बताया गया कि तुम उसके साथ थी। और इसके बाद भी अगर कोई यकीन न करना चाहे कि तुम हमारी बहू हो तो हम क्या करें बेटा?
किसी को कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। आप सही कह रही है, हमें तो बस आपसे आपसे यहां से जाने की आज्ञा चाहिए। बस बहू जाने के लिए कह रही है और तुम खड़ी खड़ी सिर्फ सुन रही हो। इसे एक बार रोको तो सही, शायद तुम्हारे कहने से। अरे रोहन की खातिर ना सही, लेकिन एक पल के लिए हमारे बीच में जो रिश्ता है उसके खातिर, इसी की खातिर इसे रोको तो सही। सब कुछ भूल के काबली इसे रोक, इसे इसे रोक।